Good morning, students. In this video, we study B.A. Part First, John Donne, and his poem "Go and Catch a Falling Star." So let's start this video. John Donne was born 1572 and died 1633. जॉन डन का जन्म पंद्रह में हुआ है और सोलह में मृत्यु हुई है तो जॉन डन फादर डाइड वेन एज जॉन बॉज फोर ईयर्स ओल्ड जॉन डन के पिता की तब मृत्यु हो गई जब जॉन डन चार वर्ष का था ही ब्रॉट अप बाई हिज मदर उसकी माँ के द्वारा उसका लालन पालन किया गया ही वेंट टू कॉलेज विद ए प्लान ऑफ बिकमिंग ए लोअर और प्रिस्ट उन्होंने कॉलेज में वकील और पादरी बनने की योजना से दाखिला लिया या वो कॉलेज गए ही ए दी अर्ल ऑफ एसेक्स वो एसेक्स के अर्ल के साथ ए नवल एक्सपेडिशन वो एक समुद्री यात्रा पर गए कैडिस इन 1596, 1596 में और इसके बाद वहाँ से फिर वो कहाँ गए टू दी अज़ोर्स इन 1597, और पंद्रह सौ सत्तानवे वो अज़ोर्स गए इन 1601 जीरो वन में ही वॉज अपॉइंटेड उनको चुना गया सेक्रेटरी टू दी सर थॉमस ईगरटन सर थॉमस ईगरटन का सेक्रेटरी उनको चुना गया जब उनको चुना गया सेक्रेटरी तो ही फेल इन लवि एन मुरे तो वो एन मुरे से शादी कर एन मुरे से प्यार करने लगे जो कौन थी वन ऑफ हिज एम्प्लॉयज रिलेटिव्स वो उनके जो एम्प्लॉय थे उनके रिश्तेदार थी ही मैरिड हर और फिर उन्होंने उन्होंने उससे एनमोरी से शादी कर ली दिस मैरिज कॉस्ट डन हिज जॉब और इस शादी की जो कीमत है डन को अपने जॉब से चुकानी पड़ी अर्थात डन को जॉब से निकाल दिया गया फॉर नियरली थर्टीन ईयर्स लगभग तेरह साल ही एंड हिज वाइफ वह और उसकी पत्नी हैड ए वेरी डिफ़िकल्ट टाइम एक कठिन समय से दौर से गुजरे डन फाइनली बिकेम ए प्रीस्ट डन अंत में प्रीस्ट बन गया इन सिक्सटीन फोटीन सोलह सौ चौदह में ही रोटे लॉट ऑफ रिलीजियस प्रोज उन्होंने बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के गद्य लिखे हिज पोइम्स आर बैरियन इन सब्जेक्ट मैटर उनकी जो कविताएं हैं वो विषय वस्तु को विविधता लिए हुए हैं समटाइम्स दे डील विद लव कुछ कविताएं उनकी प्यार के बारे में महिलाओं के बारे में हैं समटाइम्स विद कुछ कविताएं गॉड और डेथ के बारे में भगवान और मृत्यु के बारे में ही हैज़ ए कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ सेइंग उनका कहने का जो तरीका है बड़ा ही जटिल है इन इस पोइट्री उसकी कविताओं में क्योंकि इनको मेटाफिजिकल पॉइंट के नाम से जाना जाता जो जो है जो मेटाफिजिकल जो पॉइंट होते हैं वो अपनी जो कविताएं हैं या अपनी जो रचनाएं हैं वो इजी वे में नहीं लिखते वह आप ज़्यादातर इमेजों का प्रयोग करते हैं ही डज नॉट यूजअली मेड यूज ऑफ सिंपल डायरेक्ट एंड स्टेटमेंट और इमेजेस वो ज़्यादातर यूज यूजअली सामान्यतः उपयोग में नहीं साधारण प्रत्यक्ष स्टेटमेंट और इमेजों का एज ए पॉइट डन रिकोगनाइज केम आफ्टर हिज पॉइम्स वर पब्लिश इन सिक्सटीन थर्टी थ्री कवि के रूप में डन की जो पहचान है वो उसकी कविताओं के बाद आई सोलह सौ तैतीस में उसकी कविताओं के प्रकाशन के बाद आई ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम उसके पूरे जीवन समय उनकी जो कविताएँ हैं वह सर्कुलेटेड घूमती रही इन मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलुपी पांडलुपि के रूप में एक के बाद दूसरे पाठक के पास एंड वर एडमायर्ड और उनकी कविताओं की प्रशंसा की गई बाय द डिसर्निंग जो बाल की खाल निकालने वाले हैं जो समालोचना करने वाले हैं उनके द्वारा उसकी कविताओं की प्रशंसा की गई है। आलोचकों के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई अब हम इस कविता को पूरी लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इस कविता को हम तीन पैराग्राफ में चेंज करके पढ़ सकते हैं कि पहला जो स्टेंजा है उसमें कभी हमें जो असंभव जो काम हैं उनकी झड़ी लगा देता है उनकी एक सीरीज सी लगा देता है दूसरे स्टेंजा में हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसको भगवान ने प्रतिभा दी है कि वो अजीब अजीब दृश्यों को देख सकते हैं और जब वो अपनी यात्रा पर गुजरते हैं और वो क्या महसूस करते हैं क्या देखते हैं और उसके बारे में बताते हैं उसके बारे में वर्णन कर सकते हैं और तीसरे में कभी जो है वो कह ये कहता है कि रियल में सच्ची और वफ़ादार महिला नहीं है मान सकता हूँ कि आप पहली बार जब मिले हो तो वो हो सकती है लेकिन कुछ समय बाद आपको वो झूठी मिलेगी तो देखिए लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टेंजा में वो हमको जो इम्पॉसिबल जो वर्क्स है उनकी एक सीरीज़ दे रहा है ये जो कविता की जो आ, थीम है वो महिला की बेवफाई के बारे में इनकॉन्स्टेंसी ऑफ फेयर विमेन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार जिस तरीके से एक टूटते हुए तारे को पकड़ना बहुत ही कठिन काम है कैट विद ए चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट की एक मैंड्रेक एक प्रकार का जो पौधा होता है उसकी जड़ों से बच्चा पैदा करना बड़ा कठिन होता है मी वेयर ऑल पास्ट ईयर भूतकाल को बताना बड़ा कठिन है और हु क्लैप द डेबल्स फूट कि किसने शैतान के पैर को चीरा है अब तक हम चार असंभव कार्य पढ़ चुके हैं कि टूटते हुए तारे को पकड़ना संभव है मैंट्रैक जो एक प्रकार का पौधा है उसकी जड़ों से बच्चा पैदा करना असंभव है भूतकाल कहाँ गया है भूतकाल के बारे में बताना असंभव है और किसने शैतान के पैर को चीरा है इसको भी बताना असंभव है टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग और मुझे भी सिखाओ मरमेड जो एक जलपरी होती है उसके गाने को सुनना अर्थात जलपरी के गाने को सुनना भी असंभव है हटी टू कीप अप एनवी स्टिंग्स और मानव के व्यवहार को चेंज करना भी बड़ा ही कठिन काम है जिससे उसके मन से ईर्षा दूर हो जाए एंड फाइंड आउट दी बिंड्स सर्व टू एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड और उन कारणों का पता लगाना जिससे एक ईमानदार व्यक्ति बनता है ये भी सब कब ये सभी काम क्या हैं असंभव हैं तो यहाँ पर आपने देखा है कि कभी सात प्रकार के असंभव जो कार्य हैं उनकी हमको सीरीज देता है इसके बाद सेकेंड स्टेंजा को हम करते हैं इफ दो वी बॉन्ड टू स्टैंड साइट कभी कहता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो अजीब दृश्यों को देखने की थिंग्स इनविजिबल टू अदृश्य चीजों को देखने की उसमें क्या है भगवान ने उसको ताकत दी है शक्ति दी है यदि वह व्यक्ति राइट टेन थाउजेंड डेज एड नाइट इसमें हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है कि राइट टेन थाउजेंड डेज एंड नाइट वही व्यक्ति जिसको अजीब दृश्य चीज़ों को देखने की शक्ति दी गई है यदि वही व्यक्ति दस हजार दिन रात्रि तक घूमे टिल ए स्नो वाइट हेयर ऑन दी जब तक कि उसके बाल सफ़ेद नहीं हो जाए दो वहन दो रिटर्न बिल टेल मी और जब वो अपनी यात्रा से लौटता है तब वो मुझे बताता है ऑल स्टैंड वंडर्स दैट वी फॉल दी कि उसके सामने जितने भी अजीब दृश्य पड़े एंड स्वेयर नो फेयर लेकिन वो सपत पूर्वक नहीं कहता है कि मुझे कहीं नहीं मिली लिव्स ए वुमेन एक महिला नहीं मिली ट्रू एंड फेयर जो सच्ची और वफ़ादार हो अब यहाँ पर कभी जो है वो पाठकों को चैलेंज कर रहा है अंतिम उसमें कि इफ दो फाइंडेस्ट बन और यदि कोई पाठक चैलेंज करता है कि हाँ मैंने ऐसी फेयर एंड ट्रू जो महिला है उसको ढूंढ लिया है तो लेट मी नो मुझे बताइएगा सच्चे पिलिग्रिम बर्थ स्वीट की वास्तव में उसके पास जाना एक तीर्थ यात्रा के समान होगा जैसे एक तीर्थयात्री एक तीर्थ यात्रा पर जाता है यह उसके समान होगा सचे पिलिग्रिम पिलिग्रिमन तीर्थ यात्रा स्वीट बड़ी अच्छी होगी लेकिन सेकेंड टाइम ही जो कभी अपने विचारों को त्याग देता है यट डू नॉट आई वुड नॉट गो नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा दो एट नेक्स्ट डोर चाहे वो अगले ही दरवाजे पर क्यों नहीं हो बी माइट मीट मतलब हमें चाहे वो अगले ही दरवाजे पर क्यों नहीं मिले हम उस महिला के पास नहीं जाएंगे तो सी व ट्रू कि वास्तव में वो महिला सच्ची हो सकती है वे न्यू मीठर जब तुम उससे मिले मतलब जब तुम उससे मिले तो वो सच्ची हो सकती है लेकिन कुछ समय बाद आपको पता लगेगा कि एंड, एंड लास्ट अंत में टिल यू राइट योर लेटर जब तुम पत्र लिखोगे अर्थात कुछ समय बाद आप उससे मिलने के बाद जब आप पत्र लिखोगे तो यट्स बिल्वी फॉल्स तो आप पाओगे कि वह झूठी हो चुकी है ईयर कम और टू और थ्री और उसके दो और तीन क्या हो चुके हैं मित्र हो चुके हैं तो स्टूडेंट्स इस कविता में हमने महिला की वेवफाई के बारे में जो जॉन डन है वो बताता है कि जिस तरीके से ये सब असंभव काम है कि टूटते हुए तारे को कैच करना संभव है मैंड्रेक प्लांट से एक बच्चे पैदा करना आसान है बड़ा ही कठिन है भूतकाल कहाँ गया इसको बताना कठिन है किसने शैतान के पैर को चीरा है ये बड़ा कठिन है जो जलपरी होती है उसके गाने को सुनना बड़ा कठिन है और कि मानव के स्वभाव को चेंज करना बड़ा कठिन है और उन कारणों का पता लगाना जिससे एक व्यक्ति ईमानदार होता है जिस प्रकार ये सभी जो कारण हैं बड़े ही क्या है असंभव हैं कि हम इनको नहीं कर सकते लेकिन कभी क्या करें ये का ये काम तो फिर भी संभव हो सकते हैं लेकिन इस संसार में एक सच्ची और वफादार महिला को पाना बहुत ही कठिन है तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें थैंक यू वेरी मच